गाइस, मैं आज आप लोगों को एक जगह में लेके जाऊंगा जी। जगह ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है और इंडिया का सबसे फेमस और बहुत ही अच्छा जगह है। गुवाहाटी से कम 15-20 किलोमीटर आने के बाद हाजो मिलता है। एक्चुअली ये हाजो जो रोड है, ये आप नलबरी साइड में भी जा सकते हैं, वहीं से आपको ऑन द वे मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा आपको और ज़्यादा दूर भी नहीं है, कम से कम 4-5 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पुआमक्का मिलेगा और नीचे में आपका माधव टेम्पल मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है, इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। अर्ली इन द मॉर्निंग में बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा वेदर भी ठंडा रहता है गर्मी का मौसम में, ठंडे के मौसम में तो और ज़्यादा ठंडा रहता है, फिर भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र फ्लाईओवर अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब पुराना जो ब्रिज है वो ब्रिज अभी कंस्ट्रक्शन करने में 3 महीना टाइम लिया है। सरकार से ही ये ब्रिज से बैन कर दिया है 3 महीने के लिए, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मगर ये मुश्किल और ज़्यादा पैदा होगा जब ये दिन का टाइम में, आज संडे है तो संडे में इतना भीड़ नहीं रहता है, दिन का टाइम में शायद और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो आप लोग मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये जो पुराना फ्लाईओवर है उसका नीचे में मैं देख रहा था कि नीचे में आपका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वेल्डिंग कुछ कर रहा होगा, इतना तो आइडिया नहीं है। ये हाजो का जो रास्ता गया है, ये जहाँ से आप नलबारी भी निकल सकता है, शॉर्टकट होता है एक्चुअली नलबारी जाने के लिए, ये जो रास्ता है ये सिंगल वे है, ये सिर्फ आने जाने का एक ही रास्ता है। लो जी, अभी हम लोग पोमक्का दरगाह शरीफ हाजो जाने का रास्ता जो है वो अभी पहुँच चुके हैं। ये मेन गेट था, अभी इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे। और एक बात मैं आपको बोलना मुनासिब समझूंगा, ये जो आपका हाजो का माधव मंदिर है ना, ये माधव मंदिर जो है ये कम से कम 5000 ईयर्स पुराना है, 5000 साल पुराना है, ये मानना है इन लोगों का। मैं आपको जितना हो सके मैं दिखाऊंगा। कुछ ही दूर आगे आके यहाँ पे एक चारली है, जहाँ पे एक चौक भी है, मार्केट है एक छोटा सा, और राइट साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड शायद नहीं जाऊँगा, अभी तो स्ट्रेट जाना पड़ेगा हमको, हमको अभी पुआमक्का जाना है। तो चलिए आगे। आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि एक्चुअली मंदिर और मस्जिद एक साथ है, एक्चुअली में क्या है, एक पहाड़ के ऊपर से जाते हैं रास्ता और एक पहाड़ के नीचे से जाता है। जो पहाड़ के ऊपर से जाते हैं वो पुआ मक्का तक जाते हैं और नीचे से जो एक रोड गया हुआ है वो आपका मंदिर तक, मतलब हॉयग्रीव माधव मंदिर तक जाते हैं। तो पजल में मत रहिएगा। मैं फाइनली आपका जिस जगह में आना चाहता था वो जगह ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। वो लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं पहुंचा और कुछ ही दूर जाने के बाद वहां पे हम पहुंच जाएगा। सामने अगर आप लोग कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है मेन पुआ मक्का जो मैं आपको दिखाना चाहता था, तो चलिए अंदर भी चलते हैं।
यहाँ पे आके तो बहुत बड़ा मज़ा आता है, बहुत बहुत मज़ा आता है एक्चुअली में। क्या है कि यहाँ जो ये जो पुआ मक्का है, मक्का है, इसका एक ख़ास बात यही है कि इस जगह में मंदिर और मस्जिद एक साथ है, तो इसीलिए ये ज़्यादा फेमस जगह है। और कभी भी आएंगे आप लोग संडे के टाइम मॉर्निंग में आने से आपका भीड़ कम होता है, तो आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए अभी माधव मंदिर में चलते हैं। ये तो था मस्जिद जो मक्का बोलते हैं, पुआ मक्का। एक्चुअली मैं ये रास्ते से गुजर रहा था तब एक चीज़ नज़र आई, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखा दूँ। तो ये रास्ते से हम आया था, यहाँ से उठ के मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चीज़ क्या है, किस लिए बनाया है, कौन बनाया है ये? ऐसा छोटा छोटा सुरंग बना के रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस लिए बनाया है, कौन बनाया है। ये था दिखाने के लिए आया था, कैसा है? अरे माधव मंदिर तो कौन फले है? माधव मंदिर फले ना। लगता है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फाइनली रीच्ड हॉयग्रीव माधव टेम्पल। माना जाता है कि अगर आप जब हॉयग्रीव टेम्पल जाएंगे अंदर, उससे पहले इस तालाब में आके आपको हाथ पैर धो के जाना पड़ता है, तो और जो भी पाप लेके आए उसके थ्रू धुल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे पहले आके हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो यहाँ पे दाना दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सब कछुआ है, बहुत साल से ये कछुआ यहाँ पे ही है और बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। मैं चलिए आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे कछुआ है। चलिए अभी मेन टेंपल में चलते हैं। इसके अंदर आने से एक चक्कर परिक्रमा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही पूजा करना पड़ता है, ये इस मंदिर का नियम है। तो चलिए हम भी एक परिक्रमा लगाते हैं। अगर आप लोग कभी भी आएंगे हॉयग्रीव टेम्पल में, आप लोग पैसा लेके ज़रूर आइएगा, क्योंकि शॉर्ट पड़ सकता है, जैसे मेरा पड़ रहा है अभी। 260 रुपीज़ पर थाली, जैसे आपको तुलसी का माला और ये फूल आपको माला मिलेगा और कुछ कुछ सामान मिलेगा, तो काइंडली आप रेडी करके ज़रूर आइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है, मेरे जैसा पड़ सकते हैं। पूजा भी हो गया, अर्चना भी हो गया और वंदना भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अभी थोड़ा लंच करेंगे, बाहर निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे घर, रेस्ट करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। और आप लोग देखिएगा ज़रूर, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आज तक इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और राइट साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ आपको भी नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आवर होम, बाय बाय।